6:30 पे आते हैं वो ठीक है, लेकिन जो 6:31 6:32 पे आते हैं ना, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी बेटा कुछ टाइम के बाद, ठीक है? तो ट्राई किया करो मैम, जब मैं 6:20 पे, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। मैं हमारे स्कूल होता है मैम, हम थोड़े लेट भी हो हाँ जाते हाँ हैं ठीक है, कभी। तेरा पता है बेटा मेरे को, उसकी तुम टेंशन मत ना, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कह रही, ठीक है? बाकी जो बच्चे प्लीज थोड़ा सा जल्दी आ करो, मेरा भी समझा करो। 6:20 नहीं, 6:32 नहीं, है ना? 6:20 पे जब तुम्हारी मैम ज्वाइन हो जाती है तो तुम लोग 6:25 6:27 पे ज्वाइन हो जाया करो, ठीक है? चलो ठीक है। अनुष्का दुबे, बी रेगुलर बेटा इन माई क्लास, प्लीज बी रेगुलर, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। चलो 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 आ जाओ। चैप्टर नेम क्या चल रहा था बच्चे आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? ठीक है। और तुम्हारा है B02 एंड टुडेज डेट जल्दी बोलो, टुडेज डेट जल्दी बोलो। 5 मई 5 मई 5 मई 2023। टॉपिक हमारा फिलहाल चल रहा है, आज का जो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? ये आपको देखना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये नीट में भी आता है और आपके ये बोर्ड्स में भी आता है, तो दोनों जगह ये फेमस है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में भी एंड आपके नीट में भी। तो एक बार इस क्वेश्चन को जस्ट रीड कर लो, वैसे इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए सर्टेन करंट लिबरेटेड 0.4504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर, ठीक है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फॉलोइंग फॉर द सेम टाइम इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहले तो इस क्वेश्चन को देखो और मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आज मेरे से एक मेरी स्टूडेंट ने पूछा था, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग ये करो और मुझे कंफर्म करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है? मैम 16 ग्राम आ रहा है सर। ठीक है, बाकी आप अपना मैच कर लो, सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन एक आज स्टूडेंट ने पूछा था, मतलब आप में से नहीं था वो कोई, ठीक है? तो ये करना, ठीक है बच्चे? ये वाला कर लेना, ये वाला देखो क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ बेसिकली वो आपको ये बोल रहा है कि 0.50 ग्राम हाइड्रोजन जो है लिबरेट हुई है 2 आवर में, ठीक है? और मेक श्योर करना क्लास लीव मत करके जाना, आज तुम्हारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसको मैं पूरा कंप्लीट करके अब खत्म करने वाली हूँ आज की क्लास में। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय सेम करंट फॉलोइंग फॉर द सेम टाइम इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तुम्हें ये तो पता चल गया ना यहाँ पे कौन सा लो लग रहा है बच्चे? फैराडे सेकेंड लो लग रहा है ना? यस मैम। अभी बात होगी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो यानी कि वहां पे क्या लग रहा है? फैराडे लो लग रहा है। अब यहाँ पे दो की बात हो रखी है, एक तो हाइड्रोजन की बात हो रखी है और एक कॉपर की, तो वो क्या बोलता है, क्या बोलता है आपका फैराडे सेकेंड लो, कि अगर मैं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट देखूं डिवाइड बाय हाइड्रोजन, वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। इसका मुझे नहीं पता, मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, हाइड्रोजन का इनको इन्होंने ऑलरेडी बोला है 50 ग्राम। मैम हाइड्रोजन ऊपर नहीं आएगा? नहीं, फिर मैंने ऐसे ले लिया ना बच्चे, सही है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर, यानी कि मोलर मास 63.5 ग्राम, राइट? और कॉपर में कितने का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है बताओ? दो होगा, तो यहाँ पे 2 करूंगी। ऐसे ही हाइड्रोजन का 2 और इसका इलेक्ट्रॉन भी 2 का होगा, तो 2 से 2 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 2। तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे क्या? देखना कितना आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो बस ऐसे ही करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब जो मैंने आपको ये नीचे क्वेश्चन दिया है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किसका आंसर सही आएगा। क्या क्वेश्चन दिया एक बार सुन लो।
x लीटर ऑफ 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट, मोलारिटी दे रखी है कॉपर सल्फेट की 0.2 मोलर, x लीटर है, अब हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, ठीक है, इतना चाहिए इज रिड्यूस टू कॉपर, ध्यान से समझो, x लीटर ऑफ 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट चाहिए रिड्यूस करने के लिए कॉपर में बाय अ करंट ऑफ, करंट कितने का है 0.965 एम्पीयर और इन 1 आवर, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, देखती हूँ मैं कितना आप लोग अपना कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं हुआ तो हम ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर है? मैं जो वाला फॉर्मूला लगेगा ना q equals to i by intimity, हाँ लगा दो बेटा, पहले q is equal to it, चार्ज निकाल लो, है ना, ध्यान रखना आप टाइम को सेकंड में रिपोर्ट करेंगे, समझ में आ रही है सबको, है ना, 3600 सेकंड आपका टाइम हो जाएगा, करंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप निकाल लेना, क्यू निकाल लेना, फिर देखना कि पूछ क्या रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताना है, मोलारिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, मोलारिटी क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो गिवन मास आपको देखना पड़ेगा कितना होगा कॉपर का, निकालना पड़ेगा इन पूरी डेटा से, और मोलर मास क्या होता है बच्चे 63.5 ग्राम, तो उसको करके निकालेंगे, बेटा ये तो नहीं आई थिंक आंसर, इसका आंसर है 0.09 लीटर, तो एक बार ट्राई करना आप लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, ऑप्शन मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन के, रुको, ऑप्शन है इसके 0.01 लिख सकते हो 0.01 0.09 0.15 एंड 0.05, ठीक है, ठीक है सभी को, चल उसके बाद आओ नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने मोलारिटी वाला क्या पॉइंट रिपीट करना है, क्या हुआ बेटा फिर से बोलो, मैम इसमें मोलारिटी वाला क्या पॉइंट रिपीट बोला था आपने, रिपीट कर दे, मैंने ये बोला मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना गुंजन, मोलारिटी आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको निकालना है, हमें उसने बोला x लीटर, हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, कॉपर का मोलर मास मुझे पता है 63.5 होता है, यानी कि आपको मास निकालना पड़ेगा कॉपर का, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना हुआ, वो आप किस डेटा से निकाल सकते हो क्या जो मैंने आपको दिया है, बस निकाल दो, ठीक है एक बार ट्राई करना, हाँ जी 0. क्या आ रहा है 48 0.025 0.025 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक बार ग्रुप में भेजना कि क्या कर रहे हो, बाकी सारे भी ट्राई करना, ठीक है अभी मैं आगे चल रही हूँ क्वेश्चन पे, मतलब आगे चल रही हूँ, ठीक है, तो अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको याद है जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली आप लोगों को कराया था तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलिसिस कैसा प्रोसेस है कि आप बाहर से इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड कराते हो, है ना, तो क्या करते हो, आयंस के बीच का बॉन्ड तोड़ते हो और एक जाता है कैथोड पे, एक जाता है एनोड पे, है ना, बेसिकली ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है आपका, जबकि जो हम गैल्वेनिक सेल वाला देख के आए थे वो कैसा था प्रियांशु, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, प्रियांशु स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ये कैसा है नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, है ना, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, इसमें मैंने मोल्टन NaCl का एग्जाम्पल लिया था, आपको याद आ रहा है, तो हम मैंने क्या बोला था कि जो सोडियम है वो तो डिपॉजिट होगा कैथोड पे और जो आपका Cl2 है गैस वो लिबरेट होगी एनोड पे, तो ये एक नंबर का आप लोगों के बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको बोल देंगे मोल्टन NaCl है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तो उसके प्रोडक्ट बता दो, आपको पूरी रिएक्शन लिखने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है कैथोड पे कौन डिपॉजिट हुआ, एनोड पे कौन डिपॉजिट हुआ, या कैथोड पे कौन लिबरेट हुआ या एनोड पे कौन हुआ, बस आपको ये लिखना है, ठीक है, लेकिन वो तो मैंने बात की थी मोल्टन NaCl की, जिसमें सिर्फ आपके पास क्या था, लिक्विड NaCl था, Na था और Cl था, सिर्फ उसकी बात की थी, लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl ले लूं, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लूं, तो उसके उस सिनेरियो में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट बदलेंगे उस सिनेरियो में, अच्छा अभी आ गया दीपक आंसर आ गया, yes, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब भी ट्राई करेंगे और दीपक आप जो आपने जो निकाला है वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है okay. चलो अच्छा चलो चलो आगे आ जाओ, तो बेसिकली
जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने के जो भी आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल लिया, बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन लिया है, दूसरा आपने कौन सी इलेक्ट्रोड लिया है। ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले टॉपिक में, किस पे डिपेंड कर रहा है, आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है और आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। अगर तो आपने बच्चे इनॉर्ड इलेक्ट्रोड लिया, लाइक प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उस केस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती है रिएक्शन में, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड लोगे तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे ये है, ठीक है, इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे फर्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इसमें क्या होता था, Na कहाँ लिब्रेट डिपॉजिट होता था, कैथोड पे, होता था। ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुकी, लेकिन लेकिन ये वाला जो मैंने अभी पॉइंट लिखा हुआ है ब्लू कलर से, उसको आप ध्यान से देखेंगे। मान लो, ध्यान से सुनना, अगर आपके सॉल्यूशन में जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, अगर उसमें दो कैटायन प्रेजेंट है या दो से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन फटाक से वो रिडक्शन के लिए जाएगा, यानी कि कौन फटाक से कौन सा कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल को देख के। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा खुद को रिड्यूस करवाने की, यानी कि वही कैटायन भागा भागा जाएगा कैथोड। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर एक से ज्यादा कैटायंस आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कौन सा कैटायन भागे भागे जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चा पार्टी क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया? एंड व्हाट अबाउट एनायन, व्हाट अबाउट एनायन, जब दो या दो से ज्यादा एनायन प्रेजेंट है तो आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन उसी एनायन का होगा, मतलब वही एनायन एनोड के पास भागे भागे जाएगा, जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। या तो आप बोल दो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, या यू कैन ऑल्सो से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई बच्चे? यस मैम। एक यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर लगाया हुआ बच्चे माइग्रेशन का, ये काम आएगा। अगर मान लो आपके पास अनायन है ना, लेकिन पेपर में उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको नहीं दे रखा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अनायन फटाफट एनोड की तरफ जाएगा? तो ये कुछ चार पांच है जिसका ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। आयोडीन का सबसे ज्यादा माइग्रेशन पावर होती है। अरे अपने बोलो म्यूट योर सेल्फ, ठीक है ठीक है। आयोडाइड का सबसे ज्यादा माइग्रेशन पावर होता है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर हाइड्रोक्साइड का, फिर सल्फेट का, और फिर जल्दी बोलो, फिर एफ नेगेटिव का। जल्दी याद करो इसको, जल्दी याद करो। क्या बोलो बेटा? ये जो ग्रीन पेन से लिखा है, देखो अगर आपके पास कैटायन है प्रियांशु, तो कैटायन में आपको चेक करना है किस कौन से वाले कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। जैसे तुम भी सुंदुस, बच्चे मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा। हाँ, जैसे मान लो प्रियांशु तुम भी कैटायन हो, मैं भी कैटायन हूँ, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं फटाफट भाग के जाऊंगी कैथोड के पास, ठीक है। लेकिन अगर अनायन की बात करें, तो तुम भी अनायन हो, मैं भी अनायन हूँ, तो कौन जल्दी एनोड की तरफ जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा कम है या तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कुछ भी बोल सकते हो, तो तुम फटाफट भाग के जाओगे एनोड की तरफ और तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके मैम। चल, ये माइग्रेशन वाला याद हो गया ऑर्डर, जल्दी बोलो। आयोडाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट एंड क्लोराइड। चलो क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आओ, बस इसमें इतना ही था बताने लायक, अब जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से सुन लेना, मैं कैसे एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवा रही हूँ।
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन. उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या है बेटा, जिंक सल्फेट भी है और आपने क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट भी लिया है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड. यानी कि इलेक्ट्रोड तुमने क्या ले लिया, इनर्ट ले लिया, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जल्दी बोलो नहीं करेगी. अब तुम्हारे पास एक्वस सॉल्यूशन है बच्चे जिंक सल्फेट का, यानी कि उसमें जिंक 2+ के आयंस होंगे, इधर सल्फेट आयंस होंगे, एक्वस यानी कि पानी भी होगा, पानी भी तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, पानी का भी तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है. और क्या है, AgNO3, Ag+ होगा और NO3 होगा. बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर होगा? यस मैम. अब मुझे ये बताओ कैटायन कौन कौन से आपके पास, आई नो सबको आंसर पता चल गया है बट मुझे बताने दो. एक तो जिंक है, एक H+ है बच्चे और एक Ag+ है, ठीक है. अनायन में कौन कौन है आपके पास, अनायन में एक आपके पास सल्फेट है, सल्फेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और एक है नाइट्रेट आयन. क्लियर? यस मैम. अब हमें कैटायन में मैंने क्या बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. वैसे तो इसमें नहीं दे रखी है वैल्यू लेकिन आपको पेपर में दे के रखेंगे, ठीक है. आपको पता है H+ का क्या होता है, जीरो होता है. चल ये एक मिनट रुकना. ठीक है, तो आपको पता है H+ का क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है वैसे अगर, और इसका होता है माइनस पॉइंट कितना होता है, 0.76 कुछ होता है इसका, ठीक है. Ag+ का ज्यादा होता है, वैसे यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन Ag+ का इन सबसे ज्यादा होता है. वो आपको पेपर में देख के रखेंगे, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं है. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा कैथोड की तरफ, यानी कि जिंक 2+, H+ और Ag+ दोनों में से कौन जाए, तीनों में से कौन जाएगा कैथोड की तरफ, Ag+ जाएगा. और यानी कि कैथोड पे Ag डिपॉजिट होगा. आपको लिखना है, Ag+ मत लिख के आ जाना, Ag डिपॉजिट होगा. क्लियर है सभी को? यस मैम. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट अनायन, अनायन का तो मैम ने आपने ऑर्डर बताया हुआ है, आपने बताया था कि हाँ O2 होगा. देख कैसे होगा, आपको दिख रहा है OH- का क्या है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन पावर है. इधर देखो सारे के सारे, सबसे ज्यादा आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड. तो सबसे ज्यादा किसका है, OH- का, वही जाएगा एनोड पे, ठीक है. ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त वाली इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद करो. आप OH- नहीं लिखते, NCERT क्या लिखती है, पानी लिखती है, ठीक है. क्या मिला आपको, O2 मिला, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन मिले हैं. ये रिएक्शन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, कोई भी सपने में आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार यूज हो रही है. हमारे कल वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो रही थी, आज फिर हो रही है. यानी कि एनोड पे कौन लिबरेट हुआ है बच्चे, O2 लिबरेट हुआ है. क्लियर है सबको, सल्फेट और नाइट्रेट नहीं होगा, उनकी माइग्रेशन पावर हाइड्रोक्साइड से कम है. क्या ये क्वेश्चन क्लियर मानूं मैं? यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, आपके NCERT में भी आपको मिल जाएगा. जो आपके NCERT में है वो तो आपको करना ही करना है, एक दो और मैं बता रही हूँ बस, वो करना है, उससे बाहर नहीं आएगा ना कभी आया है. इधर देखो, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर मतलब क्या है बच्चे, सोल्यूशन में कॉपर के आयंस है, सल्फेट के आयंस है, H+ है और OH- है. बोलो हाँ या ना. यस मैम. यस मैम. कैटायन कौन कौन से हैं, कॉपर और H+. एनायन कौन से हैं बच्चे, सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है. अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, जल्दी बताओ लुकना, किसकी बात करेंगे, कैटायन की, ठीक है. तो कैटायन में आपको क्या देखना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो आप लोगों को दिख रहा है कॉपर का ज्यादा है. Yes. तो यानी कि कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे. एंड व्हाट अबाउट सल्फेट और OH-? ये देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसकी कम है, तो यही क्या होगा, O2 क्या होगा, लिबरेट होगा एनोड पे. क्लियर है? अगर मान लो ना भी दे रखा होता लेकिन हमें फिर भी क्या पता था, ये ऑर्डर पता था. ऑर्डर क्लियर है? यस मैम. उसके बाद है नेक्स्ट, एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा. अब यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रोड क्या है बच्चे, इनर्ट तो नहीं है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, समझ रहे हो ना. देखो ना, एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि H+ और OH-, कॉपर सल्फेट यानी कि Cu2+ और सल्फेट नेगेटिव, लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड भी तो है,
कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसका भी सी यू टू प्लस भैया तुम लोगों को मिलने वाला है, बोलो हाँ या ना। यस अच्छा ओके ओके। तो अब क्या करेंगे, इधर देखो बच्चे एनोड पे तुम्हें क्या क्या मिला। अगर मैं चलो पहले हम कैटायन की बात करते हैं, कैटायन में तुम्हारे पास कॉपर और एच प्लस है, तुम्हें पता है कॉपर का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वही जाके क्या होगा कॉपर ही डिपॉजिट होगा, तो उसकी तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट एनोड, अब एनोड में क्या होगा, इधर देखो एक तो सल्फेट आयन है, वाटर है, एक कॉपर भी तो होगा। एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना, तो ये भी तो करेगा ना, क्योंकि अब आपकी कॉपर है इलेक्ट्रोड, समझ रहे हो, देख पा रहे हो कॉपर खत्म होता जा रहा है, कॉपर टू प्लस आयंस बनते जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.96, इसका 1.23 और इसका दिया हुआ है ये वैसे हाँ 0.34, ठीक है, ये गलती से माइनस लगा दिया था उन्होंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया था, आप रिडक्शन पोटेंशियल है ये तीनों के। अब आप मुझे देख के बता दो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, कॉपर का। इस केस में जहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है विद कॉपर इलेक्ट्रोड, उसमें हमने ये देखा कि कैथोड पे भी कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर खत्म होके किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर टू प्लस में हो रहा है, यानी कि एक रोड तो क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, दूसरी रोड क्या होती जाएगी, वो उसमें मास जाएगी, मोटी होती जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ? आपको कुछ नहीं करना, आपको एनोड पे सिर्फ ये देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो आपको मेंशन करके देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या नहीं दिया। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो सबसे कम किसका होगा, अगर एग्जामिनर ने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आप ये देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो जाएगा एनोड की तरफ। कैथोड में बहुत सिंपल रहता है, कैथोड में बहुत सिंपल होता है, क्या आपको सिर्फ क्या चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा है वो जाएगा कैथोड की तरफ। क्लियर? यस। ये वाला आ जाता है अब और भी इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट है लास्ट एक्वस H2SO4। आपके एनसीईआरटी में आई थिंक दिया हुआ, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो मुझे ये बताओ एक्वस H2SO4 का मतलब क्या है, H+ और H+ OH नेगेटिव, यही मतलब है। यस यही मतलब है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चे कैथोड की, तो कैथोड पे तो सॉरी अगर मैं बात करूं कैटायन की, तो कैटायन पे तो सिर्फ मेरा H+ ही है, बोलो हाँ या ना। यस तो यानी कि H2 लिबरेट होगी कैथोड पे, बोलो। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट सल्फेट और OH नेगेटिव, वो मुझे पता है किसका ज्यादा होता है, OH नेगेटिव का ज्यादा होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या बोल सकते हो माइग्रेशन पावर, या बोल सकते हो जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही भागा भागा जाएगा एनोड की साइड, यानी कि इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 O2 लिबरेट होगी एनोड पे। तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट समझ में आ गए? यस ठीक है। लेकिन मजा तब आता है जब एग्जामिनर आपको पकड़ा देता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके साथ मेरी फर्स्ट क्लास है, प्लीज रेज योर हैंड। अनुष्का दुबे बेटा आप इतने दिन से कहाँ थे? गुंजन तेरी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। मैम उसको मारो पकड़ के। मैम उन्होंने सोचा थी मैम आपके साथ मतलब कितने मतलब जो जो क्लास लेते हैं ना वो हाँ। रेज नहीं, नहीं 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 जिनकी फर्स्ट क्लास है मेरे, क्योंकि आज मेरे को एक तो रीचा दिख रही है न्यू स्टूडेंट, मैम पुट्ठा करके मारो गुंजन को। चलो आ जाओ मुझे, आप पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। अच्छा चलो देखो, एंड व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड H2SO4 बच्चे, देखो माना ये गया, देखो ध्यान से सुन लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है, सोच के बताओ कि उसमें पानी की अमाउंट कम है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी बच्चे पानी की अमाउंट कम होने का मतलब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट किए गया ना तो ये देखा गया कि जो H2OA2 नेगेटिव है, जो ये रिएक्शन होती है बेसिकली आपकी एनोड पे, वो एनोड पे क्या हुआ है आपका डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट। होना तो क्या चाहिए था O2, लेकिन हुआ क्या H2OA2 नेगेटिव। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये देखा गया कि पानी की अमाउंट बहुत कम होने की वजह से
एच प्लस ज्यादा रिलीज नहीं हुए इससे पहले कि एच प्लस भागता है नोड की तरफ, कौन भाग गया? H2O8 वाली चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहा तो ठीक है वरना गया फिर क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट कैथोड, वहां पे H2 ही होगा जैसे आपका डाइल्यूट H2SO4 में कैथोड लिबरेट H2 गैस लिबरेट हो रही थी एट कैथोड, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड में पंगा है जिसमें आपको ध्यान रखना है H2O8 नेगेटिव ही एनोड पे क्या होगा लिबरेट या डिपॉजिट। हाँ मनीषा रिपीट कर दे एक बार, ये बोल रही हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 में देखो ना क्या होता है, इधर देखो H प्लस होगा OH नेगेटिव होगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही मनीषा, और क्या होगा H प्लस और सल्फेट नेगेटिव होगा, कैटायन की कोई फिकर नहीं है, कैटायन में तो H प्लस ही H2 ही लिबरेट होगा कैथोड पे, हमें जो है मतलब है वो है अनायन से। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जो आपका एनोड है उस पे O2 लिबरेट नहीं हुई, उस पे H2O8 नेगेटिव जो है एनोड पे मिला, वो ये देखा गया, उन्होंने ये बोला कि पानी की अमाउंट कम होने की वजह से H प्लस बहुत कम रिलीज हुए, जिसकी वजह से इससे पहले कि H प्लस भागता एनोड की तरफ कौन भाग गया, सल्फेट आयन भाग गया एनोड की तरफ। Yes, ma'am. और जब सल्फेट आयन एनोड की तरफ भागेगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा H2O8 नेगेटिव। ये आप कहाँ पढ़ते हो, ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। Yes, ma'am. ठीक है चलूं आगे, बस इतना ही करना आपको, ये वाला कौन कौन से केस करने मैं आपको फिर बता रही हूँ। एक तो एक्वस H2SO4 का करना है कंसंट्रेटेड वाला, एक्वस कॉपर वाला विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर सल्फेट इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, और ये वाला, ठीक है, और एक मोल्टन NaCl वाला, ठीक है। आपसे मान लो ये भी पूछ सकते हैं, एक्वस NaCl का भी पूछ सकते हैं, कर लोगे एक्वस NaCl का खुद से? ठीक है, तो ये वाला भी आपको करना है। तो ये 4-5 है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता होने चाहिए। चलूं आगे? Yes, ma'am. अगर चलूं आगे तो फटाफट से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बाय द हैंड रेज करना, हैंड रेज करना, ज्यादा उसमें मत बोलना, अनम्यूट करके ना बोलना। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड बोथ द इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट अभी तो बताया ना तुम लोगों को मैंने, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, प्रोडक्ट बताओ। हाँ नितिका, नितिका बताओ बेटा। मैम बी, बी चलो आपने बोला है ये H2 एनोड पे होगा और कॉपर कैथोड पे होगा, क्लियर है सबको? यस यस मैम। पक्का H2 होगा या O2 होगा? मैम सी होगा ना इसका तो। हां मैम सी होगा, O2 होगा। कौन बोला फिर भी ये देखो ना, इन दोनों में से किसका ज्यादा है, OH नेगेटिव का है ना, तो O2 तो एनोड पे जाएगी। यस मैम। कहां से भगा दिया तुम लोगों ने, ठीक है तो सी आंसर होगा इसका, ठीक है चलो आगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl का मतलब वही मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं, द रिएक्शन दैट अकर्स एट द एनोड, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ बच्चा पार्टी कौन सी रिएक्शन होगी। हाँ गुंजन बता बेटा। बताओ बताओ प्रियांशु कौन सी होगी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है पक्का? yes, ठीक है, जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ऑन इलेक्ट्रोलाइजिंग ऑन इलेक्ट्रोलिसिस अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द गैस इवॉल्व्ड एट द एनोड इज, H2 कौन सा समझ H2SO4 में क्या होता है, एक तो ना तुम लोग घर में ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ पे पीछे शोर ना रहो, तुम लोग अपना माइक अनम्यूट करके छोड़ देते हो और तुम लोगों को यही नहीं पता होता क्लास में कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो किसी को बोलना है तो हैंड रेस करो, मैं अपने आप पूछ लूंगी, और अगर बोलना है तो मेक श्योर कि
उसको दोबारा म्यूट भी कर लो, पता ही नहीं चलता पीछे से ये शोर आ रहा होता है, तुम लोगों की आवाज नहीं आती है। इधर देखो पानी भी होगा तो बस ठीक तो है ये H2 तो क्या होगा, कैथोड पे होगा और होगी एनोड पे होगी सिमिलर। एक बार प्रैक्टिस कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो, लेकिन आनी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो, क्या पूछा है पढ़ के बताऊं क्या? 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ए बी सी, उनमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है बच्चे? ए में है जिंक सल्फेट, बी में है सिल्वर नाइट्रेट एंड सी में है कॉपर सल्फेट। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी। आपको करंट बताना है, आपको करंट बताना है, तो आपको उससे पहले क्यू निकालना पड़ेगा। निकालो भाई सबके सब, क्यू निकालो, क्यू निकालो बच्चा पार्टी, जल्दी करो। पहले तो मेरे को ये बताओ क्यू कितना आया, जो मैंने कल असाइनमेंट भेजा था किया था किसी ने? नहीं किया लग रहा है, नहीं किया है किसी ने? इसकी मैम करा था। अच्छा कितना आ रहा है क्यू की वैल्यू मैम? 1 फैराड। क्यू की वैल्यू बेटा? हाँ मैम 1 फैराड ही तो 96500। तो 1 फैराडे क्यों बोल रही हो साक्षी? मैम मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा। आंसर बताना क्यू की वैल्यू क्या? 1295.6 कूलम्ब, राइट? इसको यहाँ पे पुट करो फिर, 1295.6 जो भी आया तुम्हारा उसको डिवाइड करो, कितना है तुम्हारा क्या बताना था? करंट बताना था ना? अच्छा टाइम बताना है, टाइम बताना है। तो उधर चलाया, क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? टाइम बताना है, करंट क्या है? 1.5 एम्पियर। तो मुझे इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा सेकंड? 14 मिनट आ जाएगा। वन मैम फर्स्ट ऑप्शन 14 मिनट, और सेकंड में कितना आ रहा है? मैम सेकंड में 863.7 सेकंड। 863.7 ठीक है, उसको क्या किया? यस मैम 60 से डिवाइड कर दिया, 14 मिनट आ जाएगा। क्लियर? कोई ऐसा स्टूडेंट? यस मैम प्रियांशु हो जाएगा। मैम मैं एक्सप्लेन कर दूं अभी दोबारा मैम? कहां हो आज तुम? पहले तो ये बताओ मेरे को। मैम तबीयत खराब है थोड़ी सी, मैं उस दिन बारिश में भीग गया था। अच्छा बता देती हूं बेटा तुम्हारे पास, जिसको भी समझ में नहीं आए सुन लो, 3 सॉल्यूशन है, है ना? 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें 3 अलग अलग सॉल्यूशन डले हुए, एक में जिंक सल्फेट, एक में सिल्वर नाइट्रेट और थर्ड वाले में कॉपर सल्फेट, और तीनों में से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, राइट? सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आपको बोला है 1.5 एम्पियर का करंट पास किया गया है, और तब तक किया गया है जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए कैथोड ऑफ सेल बी। यानी कि इन्होंने लगाए तो तीनों को सीरीज में है, लेकिन बात वो किसकी कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की कर रहा है। तो आप लोग सिल्वर की ही तो लिखेंगे ना रिएक्शन। तो मुझे ये पता है कि जब मैं 1 फैराडे का चार्ज पास कराऊंगी तो 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, तो 1.45 ग्राम कब डिपॉजिट होगा? 1295.6 कूलम का जब आप चार्ज पास कराएंगे। तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई, आई आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम की वैल्यू जो कि सेकंड में आएगी, लेकिन आंसर में आपसे आंसर में आप में मिनट में पूछा होगा, तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? चलो अनुष्का, दोनों अनुष्का को क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन घर के लिए दे दूं क्या? द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3। ये एक क्वेश्चन है, अब मैंने आपको ये लिख के दे दी, क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो? यस मैं निकाल सकता हूँ।
ठीक है, पहले तो आप ये चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप निकाल लेंगे आंसर। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने आप लोग सीरियसली लेते हो, लेकिन लग रहा है कि आज का काउंसलिंग सेशन लेने के बाद चीजों को आपने सीरियसली लिया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? मैं बिल्कुल असाइनमेंट बताना। अच्छा, वहीं से तो लिया ना मैंने चुरा के। मैम था ये सेकंड होगा, मैम सेकंड होगा, लेकिन पहले सोचना पड़ेगा बेटा होगा कैसे। मैम वो इक्वेशन पुट करके देंगे तो एक में प्लस हो जाता है नेगेटिव वाले में और प्लस वाले में माइनस ही रहता है इसलिए। अच्छा चलो एक बार बाकी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो एंड मुझे चैट बॉक्स में बताओ आंसर। तो वैसे निगम ने बता दिया सेकंड, लेकिन मुझे निगम के अलावा कोई भी मैंने नहीं बताया। अरे सॉरी, अरे तुम सारे भाई लगते हो मेरे को, सबकी आवाज सेम है। दीपक के अलावा कोई भी स्टूडेंट मुझे इसके बारे में बता सकता है तो प्लीज बताओ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है नीट में, आपको नॉन्स इक्वेशन के बेस उस पर क्वेश्चन मिलता है, राइट। लेकिन ऐसा ग्राफ वाला एक बार आया, जेई में आया, नीट में ऐसा नहीं आया। तो हो सकता है कि इस बार नॉन्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल ना देके ऐसा कुछ ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन्स इक्वेशन लिखेंगे इस वाली रिएक्शन के लिए। क्या लिखेंगे बच्चे? नॉन्स इक्वेशन लिखेंगे, नॉन्स इक्वेशन। कौन नहीं है आज मेरी क्लास में? अशर कहाँ है बेटा तू? यस मैम। हाँ कहाँ घूमो भाई, क्या खा रहे हो? नहीं नहीं मैम कुछ भी नहीं, मुझे सारे के सारे एक्टिव चाहिए भाई मेरी क्लास में। मंडे से मैं केमिकल काइनेटिक्स करवाऊंगी तुम लोगों को, और क्लास में ही जब तक वो चैप्टर चलेगा केमिकल काइनेटिक्स, मान लो अगर 7 दिन चलता है या 8 दिन चलता है, उस 8 के मतलब 8 डेज हम थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे। इधर देखो, ई सेल इज इक्वल टू ए नोट सेल, इधर देखो सारे के सारे, माइनस 0.059 बाय 2 log zinc 2 plus by Ag plus का होल स्क्वायर। क्या यही होगी इसकी नॉन इक्वेशन? यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये बताओ y एक्सिस पे क्या है बच्चे आपका? y एक्सिस पे क्या है आपका? ई सेल है, राइट? यस मैम। और ये किस पे है? x एक्सिस पे है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया। बोलो हाँ या ना। y is equal to mx plus c, यानी कि ये ग्राफ तो आ ही नहीं सकता और ना ये आ सकता, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसका स्लोप क्या आ रहा है बच्चे? नेगेटिव आ रहा है। बोलो हाँ या ना। और आपको पता है अगर ये होगा तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और अगर ये होगा तो नेगेटिव स्लोप होगा, यानी कि ऑप्शन तो यही आएगा, ठीक है। और ये क्या है बच्चे? इंटरसेप्ट है आपका, ई नोट की वैल्यू है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना, नॉन्स इक्वेशन लिखना है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो चेक करना है, और खत्म कहानी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम ये असाइनमेंट में था क्वेश्चन, पर इस तरीके से सोचा ही नहीं इस क्वेश्चन को, इसलिए छोड़ दिया था। नहीं आपको पूछना चाहिए था बेटा, अगर आपने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर लिए ना सारे, जेई एडवांस को छोड़ के सारे जेई मेन के नीट के लगा लिए, तो आप ये समझ लो आप मास्टर्स हो चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ये लगा लिए तो मतलब नीट के भी लग गए, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस भी है ना, तो मतलब नीट के क्वेश्चन में सिर्फ एक बार नजर मार लेना कि सारे हो गए हैं हमारे। बाकी मैं आज आपको एक अलग से असाइनमेंट दूंगी जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारे AIPMT एम्स नीट के क्वेश्चंस हैं। वो आप लोग कल, आपकी मेरे साथ क्लास नहीं है, आप कल करेंगे एंड संडे को करेंगे, कोई टेस्ट भी नहीं है। और मुझे कोई भी डाउट आएगा उसी टाइम ग्रुप में फोटो खींचेंगे एंड मुझे शेयर करेंगे, ताकि वो डाउट हमारा संडे तक सोल्व हो जाए, सो दैट मंडे को हम फ्रेश स्टार्ट करें विद आर न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? ठीक है, संडे तक अपना निपटा लो सारे के सारे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं आज एक असाइनमेंट आपको लोगों को दूंगी रात को 10 बजे। ओके मैम। आ जाओ अब बैटरी वाला करें हम। यस मैम। यस मैम।
जनरली जो बैटरी वाला टॉपिक है हम लोग नहीं करवाते हैं, मतलब मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैंने कभी खास बच्चों को ये वाला पढ़ाया नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी है तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बैटरी वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, कोई ऐसा मतलब इसमें कंसेप्ट वाली कोई भी बात नहीं है, ये बच्चा जनरली खुद कर लेता है। और इससे सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन ही नहीं आता है, नीट में क्वेश्चन ही नहीं आता है, सिर्फ एक बार आया हुआ है। ठीक है, श्रेष्ठी क्यों मिस किए, वो मेरा फॉल्ट नहीं है ना, वो आपका फॉल्ट है, आप लोग करते जाओ मिस, मेरे को क्या है। मैं 10 बार आप लोगों को कहती हूँ बेटा क्लास में आना कंपलसरी है, क्लास में आना कंपलसरी है, बट आप लोग आते ही नहीं हो, मैं क्या कर सकती हूँ। चलो बैटरी पे आ जाओ, बैटरी वाला तो कोई आपका पीछे वाला से लेना देना नहीं है। अच्छा, बैटरी सबको पता है बैटरी क्या होती है ना, फोन में यूज करते हो बैटरी, वो बैटरी आपकी है ना, अपने वॉचेस में यूज करते हो वो बैटरी है। तो बेसिकली बैटरी को अगर आपसे कोई पूछे बेटा बैटरी को डिफाइन कर दो, तो आपका जो सेल है वही बैटरी है। अगर आप एक या एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में लगा, ध्यान से सुन लेना, थ्योरेटिकल है, कहानी की तरह समझाऊंगी, और जो जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो जैसे मैंने निकाली हुई है, और जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो सिर्फ याद कर लेना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बैटरी में जो मैं बता रही हूँ वो और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी मतलब बैटरी से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो बैटरी बेसिकली क्या है, वन और मोर देन सेल है जिसको आप सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। क्या है बैटरी, एक जल्दी बोलो, गैल्वेनिक सेल इन सीरीज, गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है बच्चों, पार्ट टू बोलो, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को आराम से पढ़ेंगे अभी टाइम है, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। चलो अब बात आती है बैटरी कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली हमने क्या किया है बैटरी को दो टाइप की, वैसे आप लोगों को भी पता है दो टाइप की बैटरी होती है, एक जो क्या होती है टाइम के साथ डेड हो जाती है ना, और एक वो होती है जिसको हम बार बार जो है रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या किया है, इसको बना दिया है, इसको दो टाइप की बैटरी दिखा दिया है, कौन कौन सी, एक तो प्राइमरी बैटरी बच्चे और एक है आपकी सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं, द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड, यानी कि बता रही हूँ सारी चीजें बताऊंगी, टेंशन मत लो, मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो सारे। अगर आप उन बैटरीज का ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो वो डेड हो जाएंगी, अगर वो एक बार डेड हो गई तो उसके बाद आप उसको रियूज नहीं कर सकते हो। क्या आपको यहाँ तक लाइन समझ में आ गई सारी, व्हाट एक्चुअल में प्राइमरी बैटरीज क्या है। ठीक है, तो इसके प्राइमरी बैटरीज में बेसिकली हम दो देखेंगे, हमारे जो एग्जाम प्राइमरी बैटरीज के एग्जाम्पल के हैं आपका एक ड्राई सेल और मर्करी सेल, हमें ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है, मर्करी सेल के बारे में पढ़ना है। ड्राई सेल कौन से होते हैं, जो आपके रिमोट में यूज होते हैं आपके, और किसमें यूज होते हैं, एसी रिमोट है ना, और आपके जो ये टॉर्च जो आपके क्लोक्स है उसमें, वो वॉच में नहीं, वॉच में मर्करी सेल यूज होता है। ठीक है, जो ये बटन वाले वो होते हैं सेल, ठीक है, जो बटन वाले सेल होते हैं वो आपके ड्राई सेल होते हैं। ठीक है, आपके क्लोक्स में यूज होते हैं, टॉयज में भी यूज होते हैं, वो सारे क्या है, दोनों तरह के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो मैम। बैट वॉच मैम दो तरह के होते हैं ना, दोनों सेल होते हैं, एक मैम मैं उसी नहीं, 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 वो वाली वॉच नहीं, वो वाली वॉच नहीं जो आप वॉल क्लॉक लगाते हो, बाल वाली मैम, रिस्ट वॉच में तो रिस्ट वॉच में बटन सेल्स होती हैं। हाँ, वॉल क्लॉक में तो ये है ड्राई सेल, लेकिन जो आप रिस्ट वॉच लेते हो उसमें आप देखते हो ना, वो सिल्वर सिल्वर कलर के होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा गोल गोल, उसको आप क्या बोलते हो, आप उसको बटन सेल भी बोलते हो, मर्करी सेल भी होते हैं रिस्ट वॉच के, जो मैं बात कर रही हूँ उसमें बटन सेल होता है जिसको आप मर्करी सेल भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा चलो, ये वाली बात तुम लोगों को पता है। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ होता है, कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है, कौन एनोड की तरह बिहेव करता है, सेम हम मर्करी सेल में भी पढ़ेंगे कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है और कौन एनोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, इसमें क्या क्या जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ड्राई सेल होता है, अगर आपने कभी आप बचपन में ये वाला काम किया है क्या, वो जो उसका वो ब्लू कलर की कवरिंग होती है उसको उतारा है, मैम उससे ब्लैक निकलता है फिर उसमें से, हाँ जो आपका सिल्वर
प्लीज लेट मी एक्सप्लेन. जो आपका वो सिल्वर कलर का होता है वो क्या है, जिंक का होता है ना, ठीक है. जो उसकी कैपिंग होती है वो जिंक की होती है, ठीक है. ये क्या किया हुआ है, उस सेल को तोड़ के उसका अंदर का हिस्सा दिखाया हुआ है. इधर देखो, इधर देखो, देख पा रहे हो आप, ये जो रोड है ये किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है. और क्या लिखा हुआ है कि जो ये कार्बन की रोड है सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है. पाउडर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे जो एनोड है वो कौन, ये आपको ध्यान रखना है, जो जिंक है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी में, कि जो जिंक है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और जो कैथोड है वो क्या है, यहाँ पे ग्रेफाइट रोड है, क्लियर. उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा. इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये आपका इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. ध्यान से देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं एक नंबर के क्वेश्चन अगर आ गया तो, ठीक है. अच्छा, अब लिखेंगे कैसे, रिएक्शन कैसे लिखेंगे बच्चे. मैम सिंपल सी बात है, आपने हमें सिखाया हुआ है कि एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बोलो हाँ या ना. यस मैम. यस मैम. कैथोड पे क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होता है, ठीक है. रिडक्शन किसका हो रहा है, माना कि ग्रेफाइट रोड है लेकिन उसके जो सराउंडेड जो पाउडर है मैग्नीज डाइऑक्साइड का वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है. आपके पास मैग्नीज है, आपके पास अमोनियम आयन है, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, ये MnOOH बना रहा है, और क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है. अमोनिया. अब जो ये अमोनिया निकले जा रहा है ना, ध्यान से सुन लो, अब जो ये अमोनिया निकले जा रहा है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जिंक के साथ क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है. और वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इसको बोलते हैं टेट्रा अमीन जिंक, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है. तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि जिंक तो भैया ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2+ में. कैथोड में क्या हो रहा है, जो MnO2 है +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, क्या आप लोगों को दिख पा रहा है. यस मैम. +3. और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, हाँ साक्षी बोलो बेटा. मैम ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बोला आपने, टेट्रा अमीन जिंक, टेट्रा अमीन, वो मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, अभी सिर्फ ऐसे लिख लो, टेट्रा अमीन जिंक, ठीक है. अच्छा, जिंक 2. अच्छा, तो अगर आपने ये सुना हो या एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अगर इन आप ड्राई सेल को बिना, मतलब आप किसी में डालो, ऐसे पड़े हैं, पड़े पड़े उन पे जंक लग जाता है. जंग कौन कौन ये करता है, जो ये आपका जो ये NH4Cl क्या करता है, उसको कोरोड कर देता है, जंक लगा देता है, पड़े पड़े ऐसे ही वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है. तो ड्राई सेल कौन से होते हैं बच्चे, ड्राई सेल क्या होते हैं कि अगर आप एक लंबे टाइम तक उसका यूज करोगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और डेड होने के बाद उसका आप यूज नहीं कर सकते. अगर आपने बच्चे अपने देखा होगा कि रिमोट में जो सेल होते हैं, या सिंपल अगर मैं ये बात करूं, ट्वाइस में जो आप सेल लाते हो, अगर आप नए नए सेल लाते हो तो कितना मस्त मजे से चलता है वो खिलौना आपका. यस मैम. कुछ टाइम बाद वो मर मर के चलता है भैया, उसको रिमोट भी क्या है, खट 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 करके उसको चलाते हैं, है ना. तो यानी कि हम फिर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भैया सेल वीक है, यही बोलते हैं, सेल वीक है. लेकिन एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है. मतलब कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, अब टाइम के साथ खत्म होने लग गया है, डीकम्पोज होने लग गया. आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम के साथ उसकी वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है. और कुछ ही दिन में क्या, एक महीना लगा लो, उस रिमोट के सेल चलते होंगे और वो फिर खत्म. दोबारा रिचार्ज कर पाते हो क्या उसको, नहीं कर पाते. मैं 4 दिन पे लगा देता हूं, मैं हो जाते हो तो किसकी चार्जिंग बेटा, वो किस की चार्जिंग होती है भाई. मैम चार्ज होता है, रिमोट चार्ज कर रहा है. नो मैम, जैसे रिमोट से सेल निकाल लिए ना, एक चार्जर आता है इसका सेल का, तो मैम उसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं. कौन सा सेल आता है भाई, मुझे तो बताइए. मेरे पास ना एवरीडे कंपनी के मेरे पास चार्जर सेल्स. मैम अब नए वाले लगते हैं ना, ऐसे वाले नहीं लगते हैं मैम, गोल ही लगते हैं. इधर देखो, तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है बच्चे वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है. ये आपको ध्यान रखना है, ड्राई सेल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है. व्हाट अबाउट मर्करी सेल, इधर देखो, व्हाट अबाउट मर्करी सेल,
क्या है मरकरी सेल? वही जो आपके रिस्ट वॉचेस में होता है, मरकरी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है मैम, इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? हियरिंग एड्स, जिनको मतलब कम वो सुनाई देता है उसमें भी यूज होते हैं मरकरी सेल। ठीक है, ये किससे बन गया होता है? जिंक मरकरी एमलगम। ठीक है, जिंक मरकरी एमलगम जो है एनोड की तरह बिहेव करता है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और क्या कैथोड की तरह कौन बिहेव करता है बच्चे? मर्करी ऑक्साइड, कैथोड। लर्न करना है ये वाली चीजें, बातें सीधी सीधी। इलेक्ट्रोलाइट कौन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है बच्चे? जिंक ऑक्साइड और KOH यूज होता है। ये तीनों चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। कौन एनोड की तरह बिहेव करता है? ड्राई सेल में कौन करता था एनोड की तरह? जिंक, इसमें भी वही करता है। ठीक है, इसमें कैथोड की तरह कौन करता है? पेस्ट किसका? मर्करी ऑक्साइड का और कार्बन का, कैथोड की तरह बिहेव करता है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइट? इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है? KOH है और जिंक ऑक्साइड है। चलो मैम, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है? एनोड पे रिएक्शन देखनी है। एनोड पे क्या होगा? जिंक क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जिंक है। ठीक है, और क्या है, क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है, KOH जो है वहां से क्या आएगा? OH नेगेटिव आएगा। तो अब क्या करेगा? देखो एक बार इधर देखो, एक OH तो जिंक के साथ O2 नेगेटिव लेके जाएगा, और जिंक 2 प्लस और O2 नेगेटिव क्या बनाने वाले हैं? जिंक ऑक्साइड बनाने वाले हैं। एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, दो हाइड्रोजन है, तो वो पानी बना लेंगे। एनोड पे ये रिएक्शन होगी। व्हाट अबाउट कैथोड? कैथोड में क्या है? ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Hg प्लस 2OH नेगेटिव बना लेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्या ये रिएक्शन पूछी जाती है क्या? नहीं, सिर्फ रीड कर लो। ठीक है, आपको क्या करना है? सिर्फ फाइनल इसकी जो रिएक्शन है वो आप लोगों को याद रखनी है। कहाँ है इसकी रिएक्शन? दूसरे पेज पे होगी। ये देखो, ये री, इधर देखो बच्चा पार्टी, ये री, ये फाइनल रिएक्शन याद करनी है आपको। क्या है? जिंक प्लस मर्करी ऑक्साइड से क्या बना है? जिंक ऑक्साइड और Hg। आपने एक चीज यूज किया, सॉरी मैम, इसमें ना इलेक्ट्रो केमिकल वो नहीं है ऑर्डर मैम, इसका उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर से वो हो रहा है मैम। देखो इसमें आपने एक चीज नोटिस किया बच्चे, कि जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट का OH नेगेटिव एनोड में लिया है, उतना ही आपको कैथोड में वापस भी मिल रहा है। अगर आप ये फाइनल रिएक्शन देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे कोई भी आयन की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो अगर कोई भी आयन की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या उसका वोल्टेज ड्रॉप रहेगा क्या? नहीं रहेगा, उसका कॉन्स्टेंट वोल्टेज रहेगा। क्या घड़ी ऐसे होती है क्या? टाइम के साथ अगर सेल वीक हो गए तो मान लो एक 11 बज रहे और वो दिखाएगा कि भैया अभी 10 ही बजे, नहीं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है मर्करी सेल के बारे में। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 एंड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन। तो अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो भैया उसकी वोल्टेज में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीन चार लाइन। ओके मैम, क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो तुम खुद भी पढ़ सकते थे, उससे ज्यादा तुम खुद समझ लेते फिजिक्स के बच्चे हो। उसके बाद आ दो सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी कौन से होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना? अगर मान लो इन वाटर में डेड हो रही है, तो आप उसको रिचार्ज करके क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा बच्चे? एक तो लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके घर में इन्वर्टर है, ठीक है, और आप जो कार में यूज करते हो, जिससे आप क्या करते हो, म्यूजिक चलाते हो, आप फोन ऑपरेट करते हो, वो सारे क्या है, उसमें जो बैटरी यूज हो रही है वो कौन सी है? लेड स्टोरेज बैटरी है। और बताओ, एक निकल कैडमियम सेल बैटरी भी होती है। इसको हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, हमें मेन लेड स्टोरेज बैटरी पढ़नी है। ठीक है, अच्छा मैम, इसमें भी आप यही बताने वाले हो कि कौन कैथोड कौन एनोड है? यस, अब देखो इधर, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड, जो एनोड होता है लेड होगा, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक विद लेड ऑक्साइड, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। लिखो जल्दी, अंडरलाइन करो अपने एनसीईआरटी में। जो लेड है वो एनोड की तरह काम करेगा, लेड ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। कितना? 38% सोल्यूशन यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अंडरलाइन करो जैसे मैं करवा रही हूँ, करो। उसके बाद क्या है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? देखो ध्यान से, अगर एनोड और कैथोड की आपको ओवरऑल रिएक्शन, मतलब हाफ सेल रिएक्शन याद नहीं करनी है, तो बच्चा आप ओवरऑल रिएक्शन याद करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन एनोड पे, एनोड पे कौन है? लेड है। कैथोड पे कौन है? लेड ऑक्साइड है। ओवरऑल रिएक्शन ये है।
क्या बन रहा है यहाँ पे लूना, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, लेड सल्फेट और पानी, ठीक है। अगर मान लो आप बैटरी को यूज करते करते वो धीरे धीरे क्या है, बैटरी जवाब देगी, इन्वर्टर खत्म हो जाता है ना, उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हो उसको चार्ज करने के लिए, पानी भी डालते है ना। Yes, तो आप कहते हैं बैटरी का पानी खत्म हो गया तो हम पानी डाल देते हैं, वो ज्यादा टाइम तक चलेगी। बेसिकली होता क्या है, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो चार्ज करने के लिए क्या करते हो, जो कैथोड पे होता है उसको एनोड में बदल देते हैं, और जो एनोड पे होता है उसको हम कैथोड में बदल देते हैं। बेसिकली क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं रिएक्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैथोड एनोड पे कौन होता है, चार्जिंग के टाइम पे क्या है कैथोड और एनोड पे कौन होता है। अगर आप एक याद कर लोगे दूसरे वाला आपको याद हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस पक्का वाला, यस यस ठीक है। एंड व्हाट अबाउट निकल कैडमियम सेल, इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है लेड स्टोरेज सेल से, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं करते, अब तो लिथियम की बैटरीज आ गई हैं, ठीक है। इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बुक वालों ने भी लिखा हुआ है, बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं। मेन आपको लेड स्टोरेज वाली रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है जी। यस यस ओके। व्हाट अबाउट फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या यूज होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज किया गया, देखा गया कि भैया यहाँ पे क्या होता है, हमें पानी भी मिल जाता है और हमारा काम भी हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, पानी भी मिल जाता है, तो इसको सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था, स्पेस में, ठीक है। क्या होता है मतलब, बेसिकली स्पेस में तो आप नहीं लेके जा सकते हो ना, सेकेंडरी बैटरीज और प्राइमरी बैटरीज तो छोड़ो, अगर वहां पे डिस्चार्ज हो गई सेकेंडरी बैटरी तो क्या करोगे, तो हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं कि फ्यूल डालो और वो कंटिन्यूस चलते रहे, जब जब खत्म हुए फ्यूल डालो और जो चलती रहे। बेसिकली जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, कैलकुलेटिव फ्यूल लेके जाते हैं, मतलब जितना उनको लगता है कि हम भैया इतने टाइम के लिए जा रहे हैं उतना फ्यूल वो अपने साथ कैरी करके जाते हैं, कि जैसे अगर लग रहा है उनको खत्म हो रहा है, ठीक है, फ्यूल डालो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल डालो अपना। हाँ, इको फ्रेंडली होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, आप लोगों को ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, कैथोड और एनोड वाली, कैथोड और एनोड वाली। कैथोड पे कौन है जल्दी देखो, O2 और ऑक्सीजन। फिर से बोल रही हूँ, कैथोड पे कौन है, O2। रिएक्शन आप लोगों को पता है क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आए, ये मैंने कहा था ना रिएक्शन याद रखना, काम आएंगे, काम आएंगे, ठीक है। और इसकी ओवरऑल रिएक्शन तो भैया हम छोड़ ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, ओवरऑल रिएक्शन तो करनी पड़ेगी। 2H 2H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, पानी मिल रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाई, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ 70% कंपेयर। इसको लर्न करो, अंडरलाइन करो इसको जल्दी, एफिशिएंसी कितनी है, अबाउट 70%, कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ये वाली लाइन पॉइंट्स बन रहे हैं, ये बेसिकली एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल के, समझ पा रहे हो मेरी बात। यस मैम, यस मैम, ठीक है ओके, ठीक है। आगे देख लो क्या लिखा हुआ है, देयर हैज बीन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल, बेटर कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, दीज हैव बीन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, फ्यूल सेल आर पोल्यूशन फ्री, नेक्स्ट एडवांटेज, एंड इन व्यू ऑफ देयर फ्यूचर इंपॉर्टेंस अ वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड। क्लियर, इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी एडवांटेज फ्यूल सेल की, H2 और O2 की रिएक्शन खत्म कहानी। अब आ जाओ कोरोजन पे, कोरोजन बड़े काम की चीज है भाई, कोरोजन पे क्वेश्चन आता है भाई, सीधी सी बात है, बोर्ड में तो आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन, क्या करता है कोरोजन, 10th में पढ़ के आए हो। यस मैम, यस आयो, मेटल के सरफेस पे क्या है, जंग लगना, जंग लग जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड और पानी की प्रेजेंस में, एसिड और पानी की प्रेजेंस में है ना जंग लगना, ठीक है। अगर आयरन, अगर आपके लोहे पे जंग लग रहा है उसको आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, बेसिकली पहले तो हम वर्किंग समझेंगे कि इस तरह से कोरोजन मतलब बेसिकली हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज हो रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आपके सपोज लोहे पे जंक लग रहा है, तो वो जंक लग रहा है ना, जो ब्राउन कलर की उसके ऊपर वो कवरिंग कोटिंग हो चुकी है, तो उसपे क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, उससे आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं भाई, समझ रहे हो आप।
समझ रहे हो, जो वो कवरिंग आ जाती है उसपे लोहे पे जंक लगने की वजह से, वो जो आप ब्राउन ब्राउन कलर का जंक लग जाता है उसपे, तो उसमें क्या इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होता है, उससे आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भैया लगवाए जाओ जंक लगवाए जाओ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, घर पे एक बल्ब बल्ब जलाने के काम आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें मेन क्या करना है, पहले प्रोसेस को समझना है क्या इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज हो रही है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है बच्चा कि इसको हम इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन से बेटा बहुत सारी चीजें जो है खराब हो सकती है। आप लोगों को पता है जो ब्रिजेस बनते हैं है ना, जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पे आयरन का यूज होता है, अगर तो भैया जंक लग गया ना तो खत्म है कहानी फिर। तो हमें पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ यूज हो रही है, उसके बाद हमें क्या देखना है बच्चे कि जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है इससे बेसिकली हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी, यही वाला काम करना है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ बच्चे, आपको पता है अगर मैं मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रही हूँ, ठीक है, पहले तो हम देखेंगे जंक लगता कैसे, ठीक है, कैसी कैसी रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं मान लो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेटल ले रही हूँ वो आयरन ले रही हूँ, तो आपको पता है क्या करेगा वो, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेगा, बताओ सही है ना। यानी कि आयरन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बोलो हाँ या ना। yes. ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो आपका H2 है आपको पता है एटमोसफेयर में क्या है, गैसेस है, तो वो क्या करेगा CO2 के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से H+ मिल जाएगा, H+ और CO3 2-, देख पा रहे हैं आप सारे के सारे। अब जो ये H+ निकला, ध्यान से सुन लो, जैसे ये जो ये H+ निकला वो क्या करेगा बच्चे, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस। अब ये क्या करेगा, H2 जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पानी। पानी, यही आयरन इस पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा। और ज्यादा ये पानी के साथ कंबाइन हो गया तो क्या लग जाएगा भैया, जंक लग जाएगा, प्रोसेस। अब आपको जो मैंने रिएक्शन बताई है यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद पानी ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड इज योर एसिडिक इन नेचर, क्या मिलेगा वहां से H+, और जो H+ मिला वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2, और H2 क्या करेगा फिर O2 के साथ कंबाइन होकर पानी बना लेगा, और वो पानी किसके साथ कंबाइन होगा, जो Fe2+ निकला है उसके साथ क्या बना लेगा, फेरस से फेरिक आयंस बना लेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फेरस, Fe2+ एंड फेरिक क्या होता है, Fe3+। ठीक है जी, ठीक है, कंटिन्यूसली वो उसके साथ पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, Fe2O3 और H2O, क्योंकि आप नहीं बता सकते ना कितना पानी का अमाउंट है, वो तो वरी करेगा ह्यूमिडिटी के साथ, गर्मी है सर्दी है डिपेंड करेगा, बारिश ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, रस्टिंग ऑफ, जल्दी बोलो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये काम हो गया, इसको थोड़ा सा अगर आपको और देखना है तो देखो ये वाली रिएक्शन हो रखी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पहले ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बकवास कर रखी है। ये देखो ड्यू टू ये क्या लिखा हुआ है, टू फ्रॉम H2SO4 फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो भैया ये बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ओवरऑल रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, कैथोड और एनोड, ये हाफ सेल रिएक्शन थी उसको कंप्लीट कर दो, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions which comes out as a rest in the form of hydrated ferric oxide and with further production of hydrogen ions. Clear है? Yes. अब क्या करना है? Yes. ये तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे, क्यों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपका वो जंक लग रहा है उस पर क्या है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक करंट जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वहां पे क्या है भैया, हमें लोहे को जंक नहीं लगने देना, हमें उसका कोरोजन नहीं होने देना, हमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ आर प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब कैसे बचा जा सकता है, वो क्या बोल रहा है, एक नोट यहाँ से पढ़ो,
It not only saves money but also helps in preventing accidents such as bridge collapse or failure of a key component due to corrosion. ये मैंने already बता दिया आप लोगों को. बोलो. अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ मेटलिक टू कम. देखो सिंपल सी बात है, आयरन किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन और पानी की, है ना, ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में. अगर मैं आयरन और एयर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से जंग लग रहा है, उसके बीच में मैं कुछ लगा दू, उसके बीच में कुछ मैं ऐसी चीज लगा दू जिससे लोहे को जंग की ना लगे, तो हमारा बच जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करोजन हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, लोहे के ऊपर क्या कर दूंगी, पेंट कर दूंगी, या ग्रीस भी लगा सकते हो आप, जिसकी वजह से क्या होगा, वो से उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, एयर की कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा. अगर एयर के कॉन्टेक्ट में आया तो भैया करोजन नहीं होगा, बच जाएगा. तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सर्फेस विद पेंट और बाय सम केमिकल. अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सर्फेस बाय अदर मेटल जिंक tin that are inert or react to save the object. पहला किससे कर सकते हो, पेंट करके, हो गया क्लियर. corrosion क्या करोगे, पहला हम पेंट कर देंगे भैया, जिससे वो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा. दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लेंगे. आप लोगों को पता है जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है. तो जो पहले आयरन क्या कर रहा था, एनोड पे था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था. अगर मान लो मैंने उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लिया तो आयरन अब क्या कैसे बिहेव करेगा, कैथोड की तरह रिएक्शन होगा, क्योंकि जिंक भैया कहेगा तू ना दे, मैंने तेरे को बचा लिया. ये होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल नाम से ही पता चले, सैक्रिफाइस करना किसी दूसरे के लिए. जिंक कहेगा भैया मैं अपना ऑक्सीडेशन करा दूंगा, लेकिन मैं तेरे को नहीं होने दूंगा, तेरे पे जंक नहीं लगने दूंगा मैं, तू आराम से मजे से बैठ. ठीक है, तो अगर आप जिंक को, अगर आप कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लोगे तो आप इससे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जंक लगने से बचा सकते हो. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट. यस मैम. या आप क्या कर सकते हो, आयरन को किसी ऐसे मेटल से कनेक्ट कर दो जिसका क्या हो, जो ज्यादा रिएक्टिव हो, जैसे मैग्नीशियम से कर सकते हो जिंक, मतलब सेम चीज बोल रही हूँ लेकिन दूसरे तरीके से. कि अगर मान लो आप मैग्नीशियम से क्या करो, कनेक्ट कर दोगे, आपको पता है मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, है कि नहीं है. तो जो पहले आयरन एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, अब वो मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होके क्या हो जाएगा, पुट्ठा काम हो जाएगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा और वो एनोड की तरह काम करेगा. तो इससे आप क्या कर सकते हो, जंक लगाने से बचा सकते हो आयरन को. बोलो हाँ या ना. पहला क्या किया आपने, लोहे के सरफेस की पेंट कर दिया. दूसरा आपने क्या किया, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लिया, जो उसको छुपा के रखेगा, उसको कवर करके रखेगा, भाई मेरे को जो कुछ हो जाए तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा, तू मजे से रह. ठीक है, और जब तक जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा तब तक आयरन क्या है, सुरक्षा है, सुरक्षित उसके किसमें है, उसके क्या बोलते हैं, उसके सुरक्षा कवच में है. ठीक है, उसको कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो. यस मैम. ठीक है, लेकिन मैम फिर H+ का भी कुछ कर सकते हैं क्या, जो H+ रिलीज हो रहा है, क्योंकि H+ भी क्या कर रहा है, वो भी इनकरेज कर रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन को. तो हम क्या करते हैं, इसमें एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन भी ले सकते हो. मान लो आप बेसिक अगर सॉल्यूशन ले लोगे तो जो H+ निकल रहा है वो उसको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. ये कहीं लिखा नहीं हुआ ना आपसे पूछेगा, जस्ट सिंपल ऐसे बता रही हूँ. ठीक है, मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से आप जो आयरन पे जंग लग रहा है उसको कैसे कैसे रोक सकते हो, किस किस तरीके से रोक सकते हो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दो तीन मेथड. ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है कैथोड और एनोड पे, कैसे हो रहा है. पहले आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर की प्रेजेंस में. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और आसपास आपके CO2 है, उसके साथ वो कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड देगा जो कि एसिडिक इन नेचर है, H+ रिलीज करेगा. और जो H+ निकल रहा है और जो आयरन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भैया, वो क्या करेगा, उसको लेके क्या बना लेगा, वो H2 बना लेगा. और फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेगा. फिर जो आयरन है वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड, और आपका जिससे जिसकी वजह से जो है वो जंक लगता है. क्या ये वाली चीजें क्लियर हुई बच्चे? यस यस मैम. आपका सच्ची बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितनी मैंने जितनी अच्छा मैम ऐसे बता रही है, हाँ ठीक है चलो. तो जितनी मैंने चीजें बताई हैं, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की स्निपेट लगा दी. आई होप कि आपने अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर ली होगी कि जो जो मैम ने बताया बस वही वही करना है.
ठीक है? यस मैम। तो ठीक है, इसमें क्या क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो यहाँ पे भी वही बताया हुआ, देखो कि आयरन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयरन टू प्लस बन गया, ठीक है। फिर जो एच प्लस निकला है कार्बोनिक एसिड से, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने दिए वो एक्सेप्ट करके पानी बना लेगा, और फिर ये पानी के साथ कंबाइन होकर जो है Fe2O3 मतलब बेसिकली फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। ये करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे रुक जाओ ना। फ्यूल सेल में क्या करना है आपको, ध्यान रखना है H2 और O2 ले रहे हो भैया, हमें पानी भी मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है। फर्स्ट कहाँ पे यूज हुआ था, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस में, ठीक है। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन में ये एक चीज मैं बताना भूल गई आप लोगों को, इधर देखो जो ये आप जिंक की कवरिंग करवा रहे हो ना, किस पे, आयरन पे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, लिख लो, आपने शायद पढ़ा भी होगा। Yes, ma'am. जिंक की कवरिंग करवा रहे हो, अगर जिंक जो है सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है फॉर आयरन, उसको जंग लगने नहीं दे रहा, इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है बच्चा? मैम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को एक गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, जैसे तीन टाइप की, दो टाइप की प्रोटेक्शन होती है, एक तो बैरियर प्रोटेक्शन जिसमें आप पेंट कर देते हो, एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, नाम है बस, देने के लिए नाम है, सैक्रिफाइस कर रहा है अपने आप को जिंक, ठीक है। लेकिन अगर आप जिंक, ध्यान रखना जब आप जिंक मेटल ले रहे हो आयरन के लिए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हो आयरन के लिए तो उस प्रोसेस को आप फिर गैल्वनाइजेशन नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलोगे। इन केस ऑफ जिंक You can use galvanization. अगर आप कुछ और मेटल यूज करो तो उसमें हम जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है जी? ओके मैम, ओके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल रिएक्शन याद रखनी है, 2H2+O2। इसके क्या क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल के, क्या है, इको फ्रेंडली है, ठीक है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा 70% है, कंटिन्यूसली एनर्जी का सोर्स है, कंटिन्यूस एनर्जी मिलती है। सेकेंडरी बैटरी में आपको क्या ध्यान रखना है, रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन याद रखना, एक याद कर लो उसका पुट्ठा कर देना, वो आपकी डिस्चार्जिंग, सॉरी डिस्चार्जिंग की याद रख लेना, उसका रिवर्स कर देना, वो चार्जिंग की हो जाएगी, क्लियर है? ये डिस्चार्जिंग की है बच्चा पार्टी, इसका उल्टा कर दोगे, लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा चार्जिंग, ठीक है। अच्छा प्राइमरी और इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आपको ध्यान रखना है ड्राई सेल, और ये वाला क्वेश्चन आता है ड्राई सेल में किसका पाउडर होता है, याद रखना है MnO2 का। जिंक कैसे बिहेव करता है, एनोड की तरह। ग्रेफाइट रोड किसकी तरह बिहेव करती है, कैथोड की तरह, ये याद रखोगे। और ध्यान रखना इसका जो वोल्टेज है टाइम के साथ डिक्रीज होता है, क्यों क्यों, क्योंकि जब इसकी आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, इसकी मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें क्या है, कंसंट्रेशन आयंस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, आयंस यूज हो रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी तो आपका ई सेल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट इन केस ऑफ मर्करी सेल ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस जो है इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, यानी कि अगर आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और अगर कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगी तो जो हमारा वोल्टेज है वो क्या रहेगा बच्चा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप जितने लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकते हो वो होगा, फिर उसके बाद वो डेड हो गया तो फिर उसको आप यूज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज होगा, ठीक है जी। ये आपका था प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज बता दिया, फ्यूल सेल बता दिया, कोरोजन बता दिया, खत्म कहानी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। मैम कार्बोनिक एसिड जो होता है मैम, वो ये ना जो सोडा बोतल या फिर जो